हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या किया, 7.2 एक्साइज हमने सॉल्व की थी। चैप्टर हमारा 7th है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ पर हमने समझा था परम्यूटेशन क्या, इसकी डेफिनेशन की थी और नोटेशन हमने की थी। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, जीरो फैक्टोरियल क्या है, उसको समझा था। और हमारी जो एक्सरसाइज थी 7.2 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ भी आपके एक्सरसाइज सिंपल सी रहेगी, इसमें टोटल आपके 10-11 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक आपका रहेगा, चैप्टर आपका रहेगा। तो क्या आज हम करेंगे, आज हम करेंगे परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया आपकी बुक में, देखिए यहां पर क्या कहा गया है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर। अब यहां पर दिया गया है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज में, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसका यूज किया था। अब हम यहां पर करेंगे फॉर्मूले से, आप चाहें जहां भी आपको जैसा उचित लगे। अगर आपको लगता है कि आप FPC से इजीली कर सकते हैं तो उसका यूज करें, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर है, इजी है, तो आप उसका यूज करें। कोई बाउंडेशन यहां पर नहीं है कि आपने फॉर्मूला ही यूज करना है, जहां पर जैसा आपको इजी लगे, उचित लगे, उसका यूज कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारे पास यहां पर दिया गया है वो है कि हमें 3 डिजिट का कोई नंबर यूज करना है, बनाना है, और जो डिजिट हमारे पास है यहां पर रहेंगे डिजिट जिनको हमने यूज करना है वो आपके रहेंगे 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक आपके रहेंगे। और इनमें से हमने 3 का एक बार यूज करना, 1 टाइम। रिपीट यहां पर हम नहीं कर सकते, यहां पर लिखा है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई रिपीट आपका होगा नहीं तो क्या रहेगा। अब मैं यहां पर चाहूं तो जो हमने FPC का यूज किया था उससे भी कर सकते, कैसे क्या देखिए। अब 3 डिजिट का कोई नंबर हमने फॉर्म करना बनाना है, तो यहाँ पर आपके जो प्लेसेज रहेंगे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस आपका रहेगा। तो मैं इसको फिल करूँ अगर यूनिट प्लेस को, तो मेरे पास चॉइस क्या रहेंगी, 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इनमें से डिजिट, तो मेरे पास 9 चॉइस रहेंगी। लेकिन रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, अब जो नंबर हमने यहां पर फिल कर दिया, जो डिजिट आपने फिल कर दिया है उसको दोबारा यूज नहीं करें। मान लीजिए हमने 9 को फिल कर दिया पर, तो बाकी इनमें से कोई एक यूज करेंगे तो मेरे पास 8 चॉइस रहेंगे, यहां पर 8 आएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ वे टू फिल द यूनिट प्लेस 9, नंबर ऑफ वेज टू फिल द टेंस प्लेस, और ऐसे आपका रहेगा। इनके मल्टीपल हमने किए थे 9, 8, 7 को, उसका हमारा आंसर आया था। चलिए अब बात करते हैं यहां पर टोटल जो हमारे पास रहेंगे वो एन और आर, यानी कि किस कितने नंबर हमने एक बार में यूज करने, कितने थिंग्स ऑब्जेक्ट हमने यूज करने में आपके रहेंगे आर, और आर यहां पर आपका रहेगा 3, क्योंकि 9 में से 3 को हमने यूज करना है। यहां पर जो लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो एक बार में 3 ही यूज होंगे, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हमने करना है यहां पर, ये ध्यान रखें। तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला जो था, NPR, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ R नंबर आउट ऑफ N, N में से R को हमने अरेंजमेंट नहीं करनी, तो क्या था हमारा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहां पुट करेंगे, N हमारे पास 9 हो जाएगा, 9P3, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। सोल्व करें तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इसको और करें तो 9 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक लिखेंगे, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल तक, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई करें, 9 8 72 मल्टीप्लाई 7, तो 7 2 14, 7 7 49 और 1, तो यहां पर आपका जो आंसर रहेगा 504 वेज आपके हो जाएंगे। इस तरीके से हम नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर ये सही है, ये हमने करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या दिया बच्चों, देखिए यहां पर अब कहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर,
विद नो डिजिट रिपीट। अब यहाँ पर 4 डिजिट का है और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया किन को यूज करना हमने डिजिट को। यहाँ पर लिखा था 1 से 9 तक, यहाँ पर कहा डिजिट्स, और जब मैथ में बात करेंगे डिजिट्स की तो टोटल हमारे पास जो डिजिट रहेंगे 10 रहेंगे 0 से 9 तक। तो यहाँ पर जो डिजिट आपके रहेंगे जिनको हमने यूज करना है तो आपके रहेंगे 0 से लेकर 9 तक, ये रहेंगे इनमें से हमने यूज करना है। और 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना तो यहाँ पे वही रहेगा, तो जो n आपका रहेगा n रहेगा। और 10 में से हमने किसको यूज करना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना बनाना है, तो यानी कि एक बार हमने कितने यूज करने हैं, 4 को यूज करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 0 हमारा डिजिट नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर क्या रहेगा, अगर मैं 0 को, अब बात करें अगर 4 डिजिट के नंबर की, अगर 0 को हम इस प्लेस पर रख दें तो जो नंबर बनेगा 4 डिजिट का नहीं रहेगा। बच्चा ध्यान रखें, अगर हम 0 को ले इस 1000 प्लेस पर तो जो नंबर बनेगा आपका वो 3 डिजिट का रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा फॉर्मूला है जो नोटेशन हमारे पास वो रहेगी इस प्रकार से, एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। पहले तो मैं क्या करूँगा, 10 में से 4 को यूज करूंगा, उससे जो नंबर बनेगा बनाएंगे हम उसमें n, यानी कि 10p4। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो 3 डिजिट्स के रहेंगे, क्योंकि तो यहां पर जो नंबर सभी नंबर बनेंगे यहां पर, तो हम 0 का भी यूज करेंगे और 0 यहां पर आपका रहेगा 1000 प्लेस पर रहेगा। तो जब 0 1000 प्लेस पर आएगा तब वो नंबर जो बनेंगे वो आपके रहेंगे 3 डिजिट नंबर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर, तो क्या करोगे, उन 3 डिजिट नंबर को माइनस कर दे इसमें से। कैसे करेंगे, अब 0 को हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखें जैसे हमने इसमें किया था ना, 0 को यहां पर यूज नहीं करोगे किस प्लेस पर, 0 आपका बाकी किसी प्लेस पर आ सकता है, लेकिन आपका 0 कहां पर नहीं आएगा, 1000 प्लेस पर नहीं आएगा। तो 0 को यूज नहीं करेंगे, टोटल हमारे पास 10 डिजिट थे, एक को हमने छोड़ दिया 9 रहेंगे, और कितने हमने यूज करने हैं ध्यान रखें। अब 9 में समझ किसका हमने करना क्या है, ये समझे, हमने अब 3 डिजिट के जो नंबर बनेंगे उनको बनाना है और माइनस करना है। तो यहां पर आपका रहेगा फिर 3, तो हमारे पास ये रहेगा 10p4 माइनस 9p3। तो इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, अब ये रहेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस में 3 फैक्टोरियल। और इसको तुम सोल्व कर चुके हो ऑलरेडी, देखिए 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, हमारे पास 504 रहेगी। तो भाई ये तो हमारे पास सोल्व करके क्या आएगा, 504। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, इसको 10, अब यहां पर 6 फैक्टोरियल आएगा तो 6 तक एक्सपेंड करोगे इसको, 9, 8, 7 और ये 6 फैक्टोरियल यहां पर आपका रहेगा 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आपका हो जाएगा। अब जो आपकी इनकी मल्टीप्लिकेशन आई थी तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 10 × 9 = 72 मल्टीप्लाई 7, ये 504 रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49 और 150 और 10 की रहेगी और माइनस में 504 आपका रहेगा, इसको माइनस कर दे आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो 10, 4, 6 रहेगा, यहाँ पर आपके 30 और यहाँ पर आपका 10, 5, 5 रहेगा और ये 4 रहेगा। तो 4536 बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। तो इन डिजिट्स को जब यूज करोगे, अगर हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर तो हमारे पास रहेंगे 4536 नंबर आपके बन सकते हैं इनको यूज करके। ध्यान आपने सिर्फ ये रखना है, जब 0 आपको दिया हो तो 0 को आपने यूज नहीं करना, किस प्लेस पर, जो अपर मोस्ट प्लेस आपका रहेगा, चाहे वो आपका 1000 प्लेस है चाहे आपका 100 प्लेस है, तो उस पर यूज नहीं करना। अगर उस पर यूज करोगे तो वो डिजिट जो बनेगा, जो नंबर बनेगा उनसे, वो आपका 4 डिजिट का नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड भी कुछ ऐसा ही हमें दिया गया, बच्चों देखिए थर्ड में क्या दिया है स्टेटमेंट आपकी बुक में, यहां भी हमें कोई नंबर ही फॉर्म करने, लेकिन हमने वैसे तो किया था हमारी 7.1 एक्सरसाइज में, यहां पर इवन नंबर की बात अब है। और इवन नंबर कौन से होंगे, जिसके एंड में क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे, यानी कि इवन ही आपका लास्ट डिजिट आपका होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसमें, यहां पर क्या कहा देखिए, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, बात यहां पर है थ्री डिजिट की,
इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स जो यहां पर दिए गए हैं, डिजिट्स वो आपके रहेंगे 1, 2, 3, 4, ध्यान रखें 5 यहां पर नहीं दिया गया है, 6, 7, तो ये हमें दिए गए हैं डिजिट्स, इनका हमने यूज करना है और इनसे कोई 3 डिजिट का इवन नंबर कितने बन सकते हैं मैक्सिमम वो हम बताने यहां पर। तो रिपीट यहां पर भी नहीं करना है, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो FPC से कर लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग जो आपका उससे कर लीजिए, फॉर्मूले से कर लीजिए, क्या रहेगा अगर हम उसका यूज करें तो। अब यहाँ पर क्योंकि इवन नंबर की बात यहाँ पर है तो हमारे पास n जो आपका रहेगा टोटल जो आपके डिजिट है वो आपके कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 को हमने एक टाइम में यूज करना है। अब कई बार तो बच्चों क्या रहेगा, फॉर्मूले से आसान रहेगा, कई बार क्या होगा FPC से हम आसानी से कर सकते हैं, तो जहां पर जैसा हमें उचित लगे उसका यूज करेंगे। तो यहां पर हम FPC से करेंगे, यहां पर उसका यूज करेंगे, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। और जब बात करेंगे 3 डिजिट की तो आपका ये यूनिट प्लेस रहेगा, ये टेंस और ये आपका 100 प्लेस रहेगा। कैसे इनको फिल कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे। अब क्योंकि मुझे चाहिए इवन नंबर तो मुझे पहले इसको फिल करना पड़ेगा, और इवन नंबर कब बनेगा जब मैं यहां पर किसको ले हूं, 2, 4, 6 को, जब यहां पर आपके डिजिट कौन से रहेंगे, या तो 2 आए या 4 आए या 3 आए, तब सॉरी 3 नहीं 6 आए, 2, 4 और 6, अगर ये आपके जो डिजिट यहां पर फिल किए जाएंगे यहां पर आएंगे तो जो नंबर आपके पास बनेंगे सभी क्या रहेंगे, इवन नंबर रहेंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास चॉइस कितनी है, 3, तो क्या रहेगा आपका, क्या लिखे यहां पर, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, भी यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने हमारे पास नंबर ऑफ वेज है, चॉइस है, कितनी है, 3। ध्यान रखें अब एक टाइम में कोई एक ही आएगा यहां पर, या 2 को लें या 4 को लें या 6 को लें, तो यूज तो एक टाइम में एक ही होगा, मैंने यहां पर 2 फिल किया तो उससे बनेंगे आपके भर। लेकिन अब जब बात करेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस की बात करूं, अब एक को हम यहां पर यूज कर लेंगे, टोटल हमारे पास 5 या 6 कितने हैं, 6, ध्यान रखें 5 यहां पर नहीं है, टोटल हमारे पास 6 है, तो एक हम यूज करेंगे यहां पर तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5, उन 5 में से कोई एक आपका यहां पर आएगा, ध्यान रखें तो 5 चॉइस है मेरे पास वेज। ऐसे ही करेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस, तो क्या हो जाएगा, अब 2 को हमने फिल कर दिया है, 1 बचता हमारे पास, इसके लिए चॉइस क्या रहेगी, अब 2 यहां पर आ चुके हैं, टोटल 6 हमारे पास, तो 4 रहेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, टोटल जो आपके बनेंगे टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे बस, तो यहां पर देयरफॉर टोटल नंबर, ठीक है, वो रहेंगे ऑफ 3 डिजिट, और कैसे रहेंगे, ध्यान रखें इवन, तो क्या बन जाएंगे, इवन नंबर। तो FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है, जब एंड हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3, 5, 4, 15, 4 जा 60, तो टोटल जो नंबर हमारे पास बनेंगे वो आपके रहेंगे 60। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, देखिए जो 4th की बच्चों स्टेटमेंट में दी गई वो क्या दी गई है, बुक में देखिए आपकी, यहां भी नंबर्स की ही बात है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, इफ नंबर जो आपके दिए गए हैं जो बनेंगे डिजिट को रिपीट नहीं करना है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी नंबर ऑफ दीज विल बी इवन, अब कितने इनमें से इवन होंगे पहले टोटल बनाने हैं, कितने बनेंगे जो यहां पर डिजिट्स आपके पास रहेंगे, अब देखिए आपके रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5।
अब करना क्या है, हमने पहले सभी नंबर को फॉर्म करना, जितने बन सकते हैं वो बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और कितने हमने एक टाइम में यूज करने हैं, यहाँ पर जो हम यूज करेंगे हमने 4 को यूज करना है, और फिर कितने आपके इवन रहेंगे वो फाइंड करने हैं। चलिए हमने 4 यूज करने, टोटल n यानी कि 5 रहेगा, और हमने इनमें से r यानी कि 4 को यूज करना एक टाइम में। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, फिर देखिए n p r यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और n हमारे पास है 5 p 4, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या रहेगा। अब एक ध्यान रखें, क्या हमें दिया है, क्या करना, 4 डिजिट का हमने इसमें नंबर फॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जगह 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर आपका रहेगा 1 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 5, 4, 3, 2 और 1, तो 120 होगी शायद, 120, 60, 120, बिल्कुल 120 आएगी। तो टोटल नंबर जो बनेंगे यहाँ पर, इनको यूज करें, वो इवन भी होंगे ओड भी होंगे, तो 120 टोटल आपके नंबर यहाँ पर रहेंगे। अब ये कहा कितने उनमें से इवन रहेंगे, ध्यान रखें इवन की बात अब यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर दो आपके जो डिजिट है वो इवन है, वही इवन नंबर आपको देंगे जब इनको हम कहाँ पर रखेंगे, यूनिट प्लेस पर। तो इवन नंबर के लिए, इवन नंबर की बात अब यहाँ पर करें, वही चाहिए 4 डिजिट का नंबर, वही प्लेस आपके रहेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 और 1000 प्लेस। तो पहले इसको फिल करना है, तो इसके लिए दो ही चॉइस आपके पास रहेंगी, या तो 2 या 4 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, 5 थे, 1 यूज किया, 4 फिर 3 फिर 2, रिपीट करना नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6 6 4 24 24 2 24, तो हमारा आंसर 24 ही आएगा। अब चलो फॉर्मूले से ट्राई कर ले। अब देखिए बच्चों क्या रहेगा, पहले बात करेंगे इवन नंबर के लिए, तो दो हमारे पास रहेंगे डिजिट्स, तो 5 में से 2 को यूज करेंगे कहां पर, यूनिट प्लेस पर, तो क्या रहेगा देखिए। अब इसकी तो चॉइस हमने चेक कर ली भी, यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा, या तो 4 या 2, दो तो हमारे पास ये नंबर बनेंगे, या तो जिसके, या तो क्या होगा एंड में 4 आएगा या फिर 2 आएगा। अब बाकी जो 3 प्लेस आके बचते हैं उसकी हमने करनी अरेंजमेंट। अब क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 5 डिजिट है, एक हमारा यूज हो चुका है, या तो 4 या 2 आएगा, तो बाकी जो बचेंगे 4 रहेंगे, और इन 4 में से क्या करना, हमने 3 को यूज करना है, तो 4p3। अगर ये ना समझ में आए तो आप इस तरीके से करें, इस मेथड से करें, FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उससे करें भी, यूनिट प्लेस के लिए चॉइस क्या है, टेंस प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए, और इस प्रकार से आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, इस तरीके से कर लें आप। ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि 2 आपके पास इवन नंबर है, ये इनको फिल करेंगे यूनिट प्लेस को, तो 2 हमारे पास चॉइस ये रहेंगी, बाकी 3 आपके जो प्लेस बचेंगे उनको फिल करना है। टोटल हमारे पास डिजिट 5 है, एक आपका यूज हो जाएगा किसी न किसी प्लेस पर जब कर रहेगा, तो 4 में से 3 को यूज करना। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और सॉल्व करें क्या रहेगा, 2 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर आपका आएगा 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। एक और सॉल्व कर लें बस, 4, 3, 2 और 1 मल्टीप्लाई करें, 6 और 6 4 24 24 हो जाए 48, तो इतने नंबर आपके इवन रहेंगे, और यहाँ से भी हमारा आंसर वही था, देखिए 2 4 जा 8 8 3 जा 24 24 हो जा 48। तो किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से आप करें, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, कोई सब गलत नहीं कर सकता, तो जो भी आपको सही लगे उसको अपने यूज करना। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बच्चा, देखिए बिल्कुल आसान सा आपका रहेगा, यहाँ पर क्या है, फॉर्म अ कमेटी, एक कमेटी का गठन करना है, बनानी है, क्या करना है, 8 पर्सन, उसमें 8 व्यक्ति 8 पर्सन उसमें रहेंगे, और क्या कहा है, इन हाउ मैनी वेज चूज आ चेयरमैन एंड आ वॉइस चेयरमैन। ध्यान रखें 2 को सिलेक्ट करना, अब उस कमेटी जो कमेटी बने उसका एक चेयरमैन रहेगा, एक वॉइस चेयरमैन रहेगा,
ध्यान रखें क्या दी स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, टोटल जो आठ व्यक्ति हैं उनमें से हमने क्या सिलेक्ट कर, दो सिलेक्ट करने किस पोस्ट के लिए, एक आपका चेयरमैन रहेगा, एक आपका रहेगा वाइस चेयरमैन। और ये ध्यान का है, ध्यान रखिए क्या कहा है कि एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पर नहीं हो सकता कि वो चेयरमैन भी बन जाए और वही आपका वाइस चेयरमैन रहे, ऐसा नहीं होगा, यानी दो ही होंगे, अलग अलग रहेंगे। तो हमने क्या करना है कि कितनी ऐसी सिलेक्ट अरेंजमेंट हो सकती है वो हमने बनानी है। टोटल जो आपके यहाँ पर रहेंगे, टोटल पर्सन एट रहेंगे, और एक टाइम में हमने किसने सेलेक्ट करने हैं, टू को, एक वॉइस चेयरमैन एक चेयरमैन के लिए। तो फिर आर आपका रहेगा टू, आपका एन हो जाएगा एट। तो टोटल जो नंबर रहेंगे, टोटल सिलेक्शन जो आपके अरेंजमेंट जो रहेंगी वो क्या बन जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर आप चाहें तो सिलेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कमेटी में जो सिलेक्ट किए जाएंगे, चूज किए जाएंगे, उनके अरेंजमेंट कैसे रहेगी। तो आपका रहेगा ये 8P2, टोटल 8 पर्सन में से दो को सिलेक्ट करना है दो अलग अलग पोस्ट के लिए। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर दें इसको, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और 8 7 यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल रहेगा, कैंसिल आउट, 8 7 जा 56, यानी कि 56 अरेंजमेंट बन जाएंगे 8 जो आपको टोटल मेंबर दिए गए उनमें से चूज अगर करें तो। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़े से कैसे रहेंगे, यहाँ पर हमें रेशो में दिए गए हैं, सोल्व करना एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मुश्किल ये भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें दिया है, फाइंड एन इफ एन माइनस 1 पी 3 रेशो एन पी 4 इज इक्वल टू 1:9। तो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जरूर करें उनको एग्जाम्पल्स को, ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए गए, एग्जाम्पल अच्छे से आपने जरूर करने हैं। तो क्या रहेगा, पहले रेशो को हम क्या करेंगे, रेशो इज अ फ्रैक्शन, रेशो क्या है, एक मेथड है कंपेयर करने का दो नंबर को सेम जो काइंड के रहेंगे। तो यहां पर पहले इसको रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 पी 3 अपॉन एन पी 4 इक्वल टू 1:9 ये बन जाएगा। अब यहां पर यूज करेंगे जो हमारी फॉर्मूला था परमुटेशन का, जो क्या था, एन फैक्टोरियल। अभी यहाँ पर एन के स्थान पर एन माइनस 1 है तो आपका यहाँ पर रहेगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 1 माइनस में 3, यानी कि एन माइनस आर था ना, तो एन अभी यहाँ पर ये एन माइनस 1 दिया और आर हमारा 3 रहेगा, और फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ भी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां तक क्लियर होगा, इक्वल टू 1:9 रहेगा। बस सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करते हैं, ये सेम इसका रेसिप्रोकल आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका n माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, माइनस 1 और माइनस 3 माइनस का 4 हो जाएगा, इंटू यहां पर आपको हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल और यहां पर n फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9 रहेगा। अब यहां से n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इनको सोल्व कैसे करना है, अब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी है n फैक्टोरियल या n माइनस 1, इसको एक्सपेंड करूंगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां तक लिखेंगे बस, इक्वल टू है 1:9। अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आपका रहेगा 1:n इज इक्वल टू 1:9 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से आपके पास n की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9। हमने सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा इसका आंसर रहेगा, आंसर चाहो तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपका आंसर याद का एन के लिए पास क्या रहेगी, 9 रहेगी। चलिए अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, दो यहां पर पार्ट दिए गए हैं, एक हमें दिया गया क्या है, देखिए एफ आर, अभी यहां पर फाइंड करनी आर की वैल्यू, फाइंड आर क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट इफ
एन किस जगह हमें फाइव दिया, फाइव पी आर इक्वल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस वन दिया गया। सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं क्या स्टेटमेंट, इसमें दिया गया है फाइव पी आर इक्वल टू सिक्स पी आर माइनस वन। तो ये दो हमारे पार्ट दिए गए हमें, इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले इसको करते हैं फर्स्ट को, तो करना कुछ नहीं, बस जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन में फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू टू इंटू अभी हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन में सिक्स माइनस, अभी यहां पर गलतियां बच्चे करते हैं, जब माइनस करूंगा आर माइनस वन को सिक्स में से, ध्यान रखना है क्या साइन चेंज होंगे, तो आर और यहां पर ये प्लस का हो जाएगा फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना है। यही गलती बस करते हैं बच्चे, बाकी तो कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करेंगे क्या, अब फाइव फैक्टोरियल अपॉन में फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू टू, पहले सॉल्व करने के बाद इसको थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा सिक्स प्लस वन तो सेवन हो जाएगा माइनस आर और ये फैक्टोरियल। अब किसको हमने करना, देखिए ये फाइव फैक्टोरियल सिक्स तो इसको करेंगे फाइव तक, और यहां पर फाइव माइनस आर है और ये सेवन माइनस आर, तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी, तो इसको करेंगे एक्सपेंड कहां तक, इस वैल्यू तक, तो ये सेम एज फाइव, यहां भी सेम फाइव माइनस आर फैक्टोरियल ये टू, अब इसको सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल लिखूंगा और यहां पर सेवन माइनस आर सिक्स माइनस आर, क्योंकि वन माइनस करते रहेंगे, यही हमारा रूल है, एन नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो यहां पर सेवन माइनस आर है, तो जब वन माइनस किया तो इसमें माइनस होगा सिक्स, पर ऐसे ही यहां पर फाइव माइनस आर फैक्टोरियल। अब क्या होगा, इस फाइव से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहां बचेगा वन, यहां पर ट्वेल्व अपॉन सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमें मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इन्हें क्रॉस कर लें तो सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू ट्वेल्व। आइडेंटिटी का यूज करें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, मर्जी आपकी है। तो ये बन जाएगा यहां से आर स्क्वेयर माइनस थर्टीन, और जब करेंगे प्लस 42 इक्वल टू में 12। कैसे करना है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो डायरेक्ट करें, पहले 7 को 6 से करेंगे 42 हो जाएगा प्लस का, r को r से करेंगे प्लस का r स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 को माइनस r से तो माइनस के 7r, 6 से करेंगे माइनस के 6, दोनों माइनस के, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर r जरूर आएगा, ध्यान रखें यहाँ पर r और रहेगा 13r। इसको माइनस कर लें इसमें से तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आर स्क्वेयर माइनस थर्टीन आर, और ये 12 इधर आकर माइनस होगा, 42 में से 12 माइनस करें तो प्लस के 30, और ये हमारे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करना, हम ऑलरेडी कर चुके क्लास 10th में 11th में मैंने किया है, यहां पर चाहो तो फैक्टर से कीजिए बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अगर फैक्टर ना हो तो आप फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर यहां पर इजिली बन जाएंगे 10 और 3, तो आर स्क्वेयर माइनस के 10r माइनस 3 और प्लस में 30 इक्वल टू, अब इन फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकाल दें r, यहां रहेगा r माइनस 10, क्योंकि बच्चे ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, यहां से 3 माइनस का कॉमन लेंगे तो आपका यहां रहेगा r माइनस में 10, दो फैक्टर आपके हो चुके हैं, एक r माइनस 10 और एक आर माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब इनमें से या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी, दोनों को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, यहाँ से दो वैल्यू के पास आ जाएंगी, आर माइनस 10 इक्वल टू 0 और आर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू 10 रहेगी और यहाँ से आर की वैल्यू 3, लेकिन आर की वैल्यू तो कोई एक ही होनी चाहिए, हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। अब एक बात हमने स्टार्टिंग में की थी, जो n आपका रहेगा हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू r के रहेगा, यानी कि जो r की वैल्यू रहेगी वो n के इक्वल तो हो सकती है, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास, देखिए यहाँ पर आपके पास, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ n की 5 या 6,
अगर सिक्स भी हम ले लें तब भी आर क्या है, ग्रेटर है इनसे, तो आर की वैल्यू एन से ग्रेटर नहीं होगी, इसलिए हम क्या करें, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू नहीं हो सकती, तो देयर फोर आर इज इक्वल टू थ्री, तो आर की वैल्यू थ्री यहां पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व इसको करना है। सेकेंड जो पार्ट हमें दिया गया, अभी यहां भी हमने ऐसे ही सॉल्व इसको करना है, यहां तो और इजी रहेगा थोड़ा सा। अब इसमें जो दिया गया फाइव पी आर इज इक्वल टू सिक्स पी आर माइनस वन, तो बस ऐसे ही आपने करना है, और एग्जाम्पल जो दिए गए उनको जरूर करें ट्राई। तो सेकंड पार्ट अब यहां पर आप इसको लिखोगे फाइव फैक्टोरियल अपॉन में फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां पर सिक्स फैक्टोरियल अपॉन में सिक्स माइनस, फिर यहां भी वही बात ध्यान रखनी है, जब इसको माइनस करोगे आर माइनस वन को तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा। फिर वही बात, इनमें से हमने किसी एक को करना, एक्सपेंड किसको करेंगे, इसको करेंगे, ये आपका सेम चलेगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन में फाइव माइनस आर फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको हो जाएगा सिक्स और वन सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, और वही यहाँ पर सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, अभी हम कर चुके हैं, यहाँ भी वही रहेगा सेवन माइनस आर सिक्स माइनस आर, और यहाँ पर फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसल, ये फाइव फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर वन बचता है, ये आपका सिक्स, इसको बाद में चाहे मल्टीप्लाई कर ले चाहे अभी कर ले, मर्जी आपकी है, आपके पास वही आएगा जो अभी हमने किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपको हो जाएगा सेवन माइनस आर सिक्स माइनस आर इक्वल टू वन, इनका प्रोडक्ट हमने किया था, तो क्या आपके पास आएगा आर स्क्वेयर माइनस के थर्टीन आर प्लस में 42, ये आपके पास रहेगा, और ध्यान रखिए यहाँ पर 6 रहता है तो आपको यहाँ पर 6 रहेगा, 6 को माइनस कर दे इसमें से तो ये आपके पास बचेगा आर स्क्वेयर माइनस 13 आर और 42 माइनस में 6 तो 36 रहेगा। अभी भी हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी, यहाँ भी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस अभी यहाँ पर है, तो फैक्टर क्या रहेंगे अब यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट 36 चाहिए, उनको प्लस करने पर 13 आए तो 9 4 जा 36 और 9 और 4 को ऐड करें 13 आपका आ जाएगा बिल्कुल, तो आर स्क्वेयर माइनस के 9 आर माइनस के 4 और ये 36, इस प्रकार से हमें स्प्लिट करना है इसको, जो आपका फैक्टर मेथड आपका रहेगा, और अगर ये नहीं यूज करना चाहते तो फैक्टर के बजाय आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो आर आर माइनस नाइन, यहाँ से फोर माइनस का लेंगे कॉमन, तो एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा साइन का, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस का है और माइनस होगा तो प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस के 36 आपके रहेंगे, ध्यान रखें इन चीज़ों का, जब कॉमन माइनस लेंगे यहाँ से तो ये तो प्लस का हो जाएगा आर, और यहाँ पर माइनस के 9 इक्वल टू 0। चलिए अब दो फैक्टर आपके हो चुके हैं आर माइनस 9 इंटू आर माइनस 4, इनमें से कोई ना कोई 0 होगा तभी इनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है ना भाई, जब इनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा तभी ये प्रोडक्ट आपका इक्वल टू 0 आएगा, तो क्या करेंगे आर माइनस 9 इक्वल टू 0 और आर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास 9 रहेगी और यहाँ से आर आपका रहेगा 4, फिर वही रहेगा। अब यहाँ पर जो इसमें हमारे पास यहाँ पर n 5 यहाँ पर 6 है, तो n की वैल्यू जो होगी r से हमेशा ग्रेटर होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल, तो r जो आपका रहेगा यहाँ पर देयर फोर आर इज इक्वल टू 4, तो जो r की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या रहेगी 4, तो आपका आंसर देख लीजिए बिल्कुल r की वैल्यू आपके पास 4 रहेगी, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। नंबर 8th अब क्या दिया देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या कहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, एक वर्ड हमें दिया इक्वेशन ई क्या यू ए टी आई ओ एन, ये हमें एक वर्ड दिया गया, इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका यूज करना है
और सभी को यूज करना है एक ही साथ, तो इनको यूज करें तो क्या क्या आपके वर्ड्स बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका मीनिंग हो या ना हो। देखिए अगर मीनिंग की बात करें तो आप इंग्लिश में पहुंच जाएंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमने यहाँ पर क्या करना है, इनकी अरेंजमेंट करनी है विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग। तो क्या रहेगा, अब टोटल जो यहाँ पर वर्ड्स आपके इसमें वर्ड्स में लेटर हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आपके रहेंगे टोटल लेटर्स आपके रहेंगे टोटल हमारे पास जो आपके दिए गए वो 8 हैं, ध्यान रखें। तो 8 के 8 को यूज करना तब क्या हो जाएगा, 8p8, तो क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0, और 0 फैक्टर क्या होगा 1 रहेगा। 0 फैक्टोरियल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिफाइन, तो आपका 1 रहेगा। तो अब इसको एक्सपेंड कर दें, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको जब मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आएगा, हमने पहले भी किया 4 3 2 0, तो 40,320 आपका आंसर इसका आ जाएगा, ये हमने इसमें करना है। अगर रिपीट होते तो आपको थोड़ा यहाँ पर चेंज हो जाता है, जब रिपीट यहाँ पर होंगे तो फिर हमने क्या करना, 8 फैक्टोरियल अपॉन में कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट होगा वो हम हमारा अपॉन में आ जाएगा। अभी सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या दिया गया देखिए, अब जो 9th आपका दिया आपकी स्टेटमेंट बुक में क्या दी गई है, अब यहाँ पर एक वर्ड हमें दिया मंडे, यहाँ भी यही कहा गया है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई रिपीट आपका नहीं होगा, रिपीट किसी को नहीं करेंगे, तो कितने आपके बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड आपको दिया मंडे, MONDAY, तो मंडे एक वर्ड आपको दिया, उसको यूज करना, लेटर आपके यहां पर है टोटल आपके 6 रहेंगे टोटल लेटर 6, इनको यूज करना है। और यहां पर जो आपके पास अब दिए गए फर्स्ट में क्या कहा है, 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम, एक टाइम में 4 ही लेटर यूज करने हैं, तो 6 टोटल हमारे पास है, तो हमने यूज करना है 4 को, तो 6p4 आपका हो जाएगा, और उससे हम सॉल्व इसको कर देंगे। देखिए तो क्या रहेगा यहाँ पर, जो फर्स्ट आपका रहेगा 6p4, रिपीट को यहाँ पर है नहीं ध्यान रखें, तो फिर इसमें क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो टोटल जो आपके वर्ड्स बनेंगे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस करेंगे 6 में से 2 आपका आएगा, तो ये 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ये कैंसिल आपका मल्टीप्लाई कर दें, 30 34 जा 120 120 3 जा 360, तो टोटल वर्ड्स हमारे पास बनेंगे तो वो रहेंगे 360 रहेंगे। अब जो सेकंड पार्ट इसका दिया उसमें क्या कहा गया है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया गया स्टेटमेंट आपकी, All letter are used at a time, सभी के सभी लेटर को यूज करना, जो सभी लेटर हम यूज करेंगे ना, हम इसको ऐसे करने जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपका 6 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। अगर ऐसे भी करोगे, देखिए हमने किया था तो हमारे पास क्या रहा, एटलीस्ट आपके पास क्या आया 8 फैक्टोरियल, यानी कि हम सीधा इसका आंसर आपको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, तो क्या रहेगा 6 5 4 3 2 और 1, मल्टीप्लाई कर दें 2 3 6 6 4 24 5 120 और ये 720, तो ये आपका रहेगा 720, तो टोटल आपके बनेंगे जब सभी को यूज करेंगे, देखिए जब सारे के सारे एक टाइम में यूज करने हैं तो आपके पास बनेंगे 720 वर्ड्स। अब थर्ड पार्ट में क्या है, बिल्कुल यहां पर जो दिया गया है All letter are used but first letter is a vowel, लेकिन अब यहां तक कंडीशन लगा दी कि सभी को ये तो यूज कर लीजिए, लेकिन फर्स्ट लेटर आपका वोवल होना चाहिए, और यहाँ पर जो वोवल आपके पास 2 ही है ध्यान रखें, यहाँ पर जो मेरे पास इस वर्ड में जो वोवल आपके पास दिए गए हैं 2 ही दिए गए हैं, तो मेरे पास क्या चॉइस होगी भी, यहाँ पर जो चॉइस हमारे पास रहेगी, या तो मैं स्टार्टिंग में ओ या फिर ए को लूंगा, या तो ए या ओ आएगा, उसने कहा कि हमने यूज करना है, लेकिन यहां पर जो आपके पास कहा गया कि हमने क्या करना है, स्टार्टिंग जो आपकी हो उस वर्ड की वो वॉवल के साथ हो, और वॉवल आपके पास यहां पर 2 हैं, तो 2 तो हमारे पास ये चॉइस हो जाएंगी,
या तो मैं ओ को या फिर ए को लूंगा। अब बाकी जो बचते हैं हमारे पास उनको हमने करना है यूज, तो उसके लिए बच्चों आपके पास क्या रहेगी, दो तो हमारे पास ये हो जाएंगे। अब क्योंकि एक टाइम हमने एक ही यूज करना ना, या तो मैं ओ से स्टार्ट करूंगा फिर ए से, तो हमारे पास पांच बचेंगे, उन पांच में से पांच के पांच को आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इन टू, ये आपका आएगा, हमेशा ध्यान रखें 5p5 क्या रहेगा, 5 factorial ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर दे, 2 और 5 factorial आपका होता 120, तो ये आपका जाएगा 240, तो 240 आपके टोटल वर्ड्स बन जाएंगे। अगर हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट किससे होगा, वोवल के साथ होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 9। क्वेश्चन नंबर अब 10th हमारे पास क्या है, देखिए, इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर इन, एक वर्ड हमें दिया गया मिसिसिपी, जिसमें जो लेटर यहाँ पर इसमें यूज हुए उन लेटर को हमने यूज करना है। डू द 4 I नोट कम टूगेदर, कंडीशन ये है कि सारे लेटर आप यूज कर लीजिए, लेकिन जो यहाँ पर 4 I's है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो ऐसे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इस वर्ड्स में जो दिए गए लेटर को यूज करके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल बनाएंगे कितने बन सकते हैं, और फिर जो आई है उसको हम सिंगल एक यूनिट काउंट करेंगे। पहले बात यहाँ पर कौन से लेटर आपके रिपीट होंगे, यहाँ पर हम बात करूँ एस आपका 4 times रहेगा, यहाँ पर पी आप एक बार चेक कर ले मिसिसिपी में स्पेलिंग आपकी जो दी गई है ये क्या डबल पी है, ठीक है, तो पी आपका रहेगा 2 times और आई हमारे पास रहेगा 4 times, तो ये आपके रिपीट होंगे। ध्यान ये रखें जब भी आपके पास कोई ऐसा वर्ड्स दिया है जहां पर आपके लेटर रिपीट होंगे, अगर हम सीधा इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इस एस को आगे पीछे चेंज करूं क्या उसे कोई नया वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर मैंने यहां पर लिखा है PASS, इनको चेंज करूं सिर्फ एस को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पास तो एक ही वर्ड आप करेगा ना, तो इसलिए हमने यहां पर क्या करना पड़ता है, हम उन वर्ड्स को रिमूव कर देंगे। तो पहली बात तो आपके पास क्या रहेंगे, देखिए टोटल जब के रहेंगे टोटल वर्ड्स, ठीक है, तो एक तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 factorial अपॉन में, जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो ऐसे करेंगे इसको, कौन कौन से रिपीट होंगे, 4 times एस है, आई भी 4 times है और ये पी 2 times है, तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं ना इनसे कोई नया वर्ड नहीं बनाएंगे, इनको अगर रीअरेंज किया जाएगा तो माइनस। अब ये तो मैं टोटल बना दिए, लेकिन उसने कहा कि आई आपका इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अब आई इकट्ठा नहीं आए, अब ऐसा हमने करना भी 4 I's आपकी है, अब मान लेते हैं वो चारों आपकी इकट्ठी आ जाए, तो इसको एक सिंगल काउंट कर लें लेटर, तो 4 हैं, तो फिर कितने बचते हैं हमारे पास, 7 और बच जाएंगे, इसको एक सिंगल काउंट किया जाएगा, 7 आपके पास ये हैं, तो आपके टोटल हो जाएंगे 8। ध्यान रखें जब इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसने कहा कि भाई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, पर हमने क्या किया, वो इकट्ठे आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सभी के बना लिए, अब इकट्ठे रख लिया हमने, अब क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे इसमें से, अभी 4 I's को हमने इकट्ठा रखा उसको एक सिंगल काउंट किया, क्यों किया, क्योंकि इन आईज को हम आगे पीछे अरेंज करें तो कोई नया वर्ड नहीं बनाएंगे, इनको इस आई को यहाँ पर उठा कर ले आइए, इसको यहाँ पर ले आइए, इसको यहाँ पर ले जाए, तो कोई नया वर्ड्स नहीं बनेगा, इसलिए तो यहाँ पर आपका रहेगा अब 8 factorial अपॉन में, और अपॉन में क्या रहेगा, देखिए ध्यान रखिए इन 4 को तो भूल जाओ, इसको सिंगल हमने मान लिया, आपका यहाँ पर रहेगा 4 और ये 2 factorial, इसको सॉल्व करना बच्चों क्या रहेगा, 11 10 9 8 7 6 5 और 4 factorial, 1 4 factorial कैंसिल आपको हो जाएगा, एक को सेम रखे को एक्सपेंड कर देते हैं 3 2 1 और 2 factorial को भी ऐसे यहां पर करेंगे 8 7 6 5 और ये 4 factorial, ये 4 factorial और यहां पर 2 factorial को हम एक्सपेंड कर दे, इसको सॉल्व कर दे, इसका आंसर आपका आ जाएगा, देखिए ये 4 factorial कैंसिल है आपका, यहाँ पर यहाँ भी कैंसिल, क्या बचेगा अब इनको हमने करना सोल्व, कैसे कर सकते हैं, जो मर्जी जैसे कैंसिल करें, 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 कैंसिल इससे हो जाएगा, 3 3 जा 9
टू से करेंगे टू थ्री जा सिक्स, बाकी को मल्टीप्लाई करें जो बचते हैं आपके पास इलेवन टेन और ये थ्री थ्री जा नाइन आपका हो जाएगा सेवन और ये फाइव। अब ऑन में कुछ बचता नहीं, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, ये टू से कैंसिल टू थ्री जा तो यहाँ पर आपका रहेगा एट सेवन थ्री और फाइव। प्लान ये करें तो थ्री फोर सिक्स फाइव जीरो रहेगी, यहाँ पर कर रहे हैं थ्री फाइव जो फिफ्टीन फिफ्टीन समझा वन हंड्रेड फाइव उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट फोर्टी, वन हंड्रेड फाइव को एट से करेंगे ठीक है, इनकी माइनस कर देते हैं अब जीरो फाइव फोर वन और सिक्स यहाँ पर एट तो सिक्सटीन एट एट आएगा सॉरी यहाँ पर एट रहेगा यहाँ पर थ्री यहाँ पर थ्री तो थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टेन हमारा आंसर रहेगा। अगर आंसर चेक जरूर कर ले तो क्या हमारे पास आंसर दिया गया है, बिल्कुल 33,800 हमारा आंसर रहेगा 10। तो ये इस प्रकार से हमें सॉल्व इसको करना है कि लास्ट हमारा क्वेश्चन और बचता शो करेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशन बी अरेंज। यहाँ पर एक जो वर्ड हमें दिया गया वो है परमुटेशन और जो इसमें लेटर यूज हुए हैं उनको हमने यूज करना किस प्रकार से, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। जो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, जो भी लेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे जो वर्ड बनेगा कंडीशन ये है कि वो स्टार्ट पी के साथ होगा एंड एस के, यानी कि स्टार्टिंग में पी आएगा लास्ट आपका जो लेटर रहेगा उसका एस रहेगा। यहाँ पर क्या कहे, वोवल आर ऑल टुगेदर, सभी वोवल इकट्ठे आने चाहिए इकट्ठे, और लास्ट में क्या है, देर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में चार लेटर हमेशा रहने चाहिए, तो ऐसे कितने आपके वर्ड्स बन सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, अब यहां पर दो को तो फिक्स कर दिया है भी, जो भी वर्ड बनेंगे स्टार्ट पी के साथ होंगे और एंड किसके साथ होंगे, एस के साथ होंगे, तो इन दो को हमें चेंज करना ही नहीं, इनको हमने छेड़ना ही नहीं है, बाकी जो बचते हैं उनको हमने अरेंज करना है। अब टोटल यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं लेटर 12 दिए गए हैं, जो टोटल आपके लेटर हैं, टोटल लेटर्स आपके 12 दिए गए। अब 12 में दो को तो हमने फिक्स कर दिया, अभी ये तो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस लास्ट प्लेस पे आएगा, तो 10 को हमने अरेंज करना, जो फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में। अब क्या कोई यहाँ पर रिपीट होगा तो उसका अपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई रिपीट है या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिपीट होगा, कौन सा होगा देखिए, यहाँ पर जो हम बात करें तो यहाँ पर टी जो आपका दो बार है और कोई रिपीट होगा नहीं, तो यहाँ पर अपॉन में क्या लेंगे, टू फैक्टोरियल। क्यों लेते हैं, क्योंकि टी जो आपका दो बार रिपीट है उसको हम अगर चेंज करेंगे तो वो कोई नया वर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं करेगा, तो इसको सॉल्व कर दें बस, आपका आंसर आपका आ चुका है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और टू फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको अपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे, हमने पहले भी किया था, तो इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा, इसका कब का आंसर रहेगा, तो क्या हमारे पास मल्टीप्लाई आएगी उसको चेक कर ले, तो ये आएगी 3628800, आंसर आप चेक कर लेना, मल्टीप्लाई जरूर चेक कर लें। तो ये हमारे पास इसका आंसर यही दिया गया है 3628800, तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा, सिर्फ आपने कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर सेकंड में क्या कहा, वोवल आर ऑल टुगेदर, अब यहाँ पर कहा सभी वोवल्स को हमने इकट्ठा रखना है, और वोवल यहाँ पर कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच के पांच वोवल यहां पर हैं, इनको इकट्ठा रखें, अगर इन पांच के पांच वोवल ई यू आई ए ओ अगर इनको इकट्ठा रखें एक यूनिट मान लें, टोटल हमारे पास 12 है, तो कितने और बचते हैं हमारे पास, 7, वही जो भी हमने किया था ना, इनको हमने इकट्ठा रख लिया, इसको एक सिंगल डिजिट काउंट करें तो 7 और बच गए, क्योंकि 12 टोटल हमारे पास थे, तो टोटल हमारे पास अभी यहाँ पर हो जाएंगे 8, इस 8 की हमने करनी है, अब देखो तो क्या रहेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में, अब क्योंकि टी रिपीट होगा उसके लिए हम क्या लेंगे, 2 फैक्टोरियल।
अब हमने एक आई के साथ क्या था, अगर चार या आई थे उनको इकट्ठा रखे, क्योंकि वो चारों सेम आई हैं तो कोई नया नंबर फॉर्म नहीं कर रहे थे, वहाँ पर हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इनको अगर रीअरेंज करें, इस ओ को मैं यहाँ पर ई के प्लेस पर लाऊँ तो एक नया वर्ड बन जाएगा, यू को चेंज करूँ कहीं भी तो नया वर्ड बनेगा, तो क्या रहेगा, ये भी हमें क्या देंगे, नई एक वर्ड्स देंगे, तो यहाँ पर आपका रहेगा 5 factorial। ये ध्यान रखना है, वहाँ पर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि आई 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 आपके दिए गए थे और इनको हम आगे भेजो अरेंज करें इनको, तो कोई नया वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए तो यहाँ पर अब हमने सॉल्व करना, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसको पूरा कर लें, 5 यहाँ पर इसको 5, 4 और 3 तक करें, 2 factorial आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2, 4, 1, 9, 2, 0 तो ये हमारे पास बन जाएंगे टोटल आपके वर्ड्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई कर ले, चेक कर ले आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। चलिए अब लास्ट पार्ट थोड़ा सा अलग रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझे बच्चों। यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए इसने कहा कि चार लेटर हमेशा इनके बीच में आए, पी और एस के बीच में, टोटल हमारे पास 12 है। थोड़ा समझे ध्यान को, 12 एक बार बना लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये बन जाएंगे ऐसे। टोटल हमारे पास लेटर दिए गए इस वर्ड में, परमुटेशन में 12 दिए गए, बच्चों ध्यान रखें। अब ये कहा पी और एस के बीच में चार होने चाहिए। अगर मान लेता हूँ पी हमारा फर्स्ट प्लेस पर है तो चार छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4 तो एस आपका यहाँ पर आ सकता है। देखिए अब ऐसा नहीं कहा कि उसको किस प्लेस पर रखना, सिर्फ ये कंडीशन लगाई गई है कि जो पी और एस कहीं भी आए उनके बीच में चार लेटर आपके रहे, तो मैंने फर्स्ट यहां पर पुट किया इसको पी को, तो ऐसा आपका यहां पर रहेगा। लेकिन पी यहां भी तो आ सकता है, पर ऐसा आपका यहां मूव करेगा क्योंकि चार इसके बीच में रहेंगे, तो पी यहां पर आएगा तो ऐसा आपका यहां पर रहेगा, ऐसे ही पी फिर एस फिर या पी और आपका ये फिर एस रहेगा, ऐसे मूव करता रहेगा। और फिर P को यहाँ पर लें तो S आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर P यहाँ पर आएगा तो आपका S यहाँ पर आएगा, आगे कोई है ही नहीं क्योंकि टोटल हमारे पास 12 ही है, तो यहाँ तक आ सकता है S। तो P कहाँ तक मूव कर सकता है, P के पास कितनी चॉइस है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यानी P के पास 7 चॉइस है कि P आपका 7 प्लेसेस पर आ सकता है, ऐसे ही S के लिए रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 इसके पास रहेंगे, 7 इसके पास रहेंगी। लेकिन अब ये भी नहीं कहा कि P पहले आए या S पहले आए, ये भी कोई कंडीशन नहीं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं पहले S को यहां पर रखूं और फिर P को अरेंज करूं, देखिए हम P के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या S के साथ कर सकते हैं, तो दो तो हमारे पास ये बन जाएंगे हमारे पास चॉइस। ध्यान रखें कि हमने P को पहले रखा और चार लेटर छोड़कर S को रखा, तो उनके पास हमारे पास 7 चॉइस थी, तो 7+7 हमारे पास हो जाएगा, 7 P के लिए है, 7 आपकी S के लिए रहेंगी, तो 7+7 आपको हो जाएगा 14। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो आपके यहाँ पर बन जाएंगे 14, तो आपके पास ये बन जाएंगे। फिर जो इनके बीच में आएंगे अब उनको अरेंज करना है, और रिपीट जो होंगे उनको भी करना, दो को तो हमने अरेंज कर दिया है, अब बचेंगे बस क्या, देखिए दो को हमने अरेंज कर दिया है, अब रहेंगे 10 और दो रिपीट आपके हैं यहाँ पर, साथ में आपका रहेगा 14। इसको आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना है, तो आपका आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा 25410 मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले और आपका रहेगा 600। तो थोड़ी मल्टीप्लाई लेंथ ही रहेगी, तो बस आप कंसेप्ट को समझ लें, ये टू क्यों लिया है कि पी को फर्स्ट रखें सेकंड या एस को लिखें, और ये तो इसके लिए रहेगी टू तो, और ये 14 क्यों आएगा, 7 चॉइस रहेंगी इसके लिए, 7 आपके रहेंगे एस के लिए, तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी 7.3, सिंपल सी है, थोड़ा समझना आपने इसको है। तो टोटल हमारे क्वेश्चन 11 है, सभी को हमने सॉल्व किया है, अच्छे समझा है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इनको आपने रिवाइज करना है, एग्जाम्पल जरूर करें जो आपकी NCERT बुक में दिए गए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।